मेरे पास ये लाइफ का मोबाइल है, इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है LS5013। इसमें FRP पड़ गया है इसमें 9 करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आज हम आपको दिखाएंगे इसका FRP कैसे खोलते हैं। इसमें FRP लॉक पड़ गया है। तो आप देख सकते हो ये इसमें FRP पड़ गया है इसमें। तो आज हम इसको देखो, आप इसे आगे नहीं जा रहे, हम आपको दिखाएंगे आज इसको रिसेट कैसा कर, इसको कैसा हम FRP आप रिमूव करेंगे इसका। तो इसको हम इस सिस्टम से खोलेंगे। तो इसमें हम इसका कौन सा प्रोसेसर है हमें तो पता नहीं, हम इसमें नेट पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप हम चैनल सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए और ये बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसमें आपको बेल का आइकन दिखाएंगे वो भी दबा दीजिए। चलिए देखते हैं कैसा खोलेंगे। तो इसके लिए हम ऑलरेडी इसका NCK डोंगल डाउनलोड करके है हमारे पास, हम उससे खोलते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप ये कुछ डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ये MediaTek प्रोसेसर का MTK प्रोसेसर का है ये। तो इसका प्रोसेसर नंबर से हम इसको खोलेंगे। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। Start दबा देते हैं इसको। इसके लिए आपको सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए। तो आपको फोन आपके सिस्टम से कनेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं खुल गया ये। तो हम इसके लिए अनलॉकिंग में दबाते हैं, सॉरी अनलॉक सर्विस में दबाते हैं। हम सर्विस में देखें यहाँ पे रिसेट FRP है। तो इसका CPU मॉडल नंबर है। आप CPU अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप नेट पे भी चेक कर सकते हो। अगर नेट पे भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, इस रीड इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, जैसे कि इसमें आपको दिखा देंगे हम। अब यहाँ पे दिख रहा है रीड फ्लैश बाय एड्रेस बोल के यहाँ पे आ रहा है ना आपको। तो आप ये इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑलरेडी आपको प्रोसेसर का नंबर ऑलरेडी आपको आ जाएगा। तो हम इसमें इसका प्रोसेसर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका प्रोसेसर है, इसका प्रोसेसर नंबर है 6735। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मिल गया हमें एक MTK 6735। तो आपको दिखा देता हूँ नजदीक करके, मैं दिख रहा है आपको 6735 ऊपर में ये वाला। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पे फोन में हम फोन को ऑन नहीं करने का, खाली डायरेक्ट बैटरी लगा के डायरेक्ट हम इसका बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी में आपको कम 80% चार्जिंग रहना चाहिए, नहीं तो फोन डेड भी हो सकता है। बैटरी हम लगा दिए इसको, बैटरी लगा के हम इसको ऑन नहीं करते, कोई बटन नहीं दबाते, सीधा ऊपर इसमें आप इसको रिसेट FRP कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे बोल रहा है फोन में चार्ज रहना बोल के बोल रहा है, और आपका फोन नंबर सब बैकअप में डिलीट हो सकता है बता रहा है इसमें। तो हम एस दबा देते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ इंसर्ट USB केबल नाउ बोल के लिख के आ रहा है आपको, मस्ट बी ऑफ विद द बैटरी इनसाइड बोल के लिख के आ रहा है, मतलब फोन बंद रहना ऑलरेडी दिखा रहा है यहाँ पे, और USB केबल लगाओ बोल के बता रहा है। तो हम सिस्टम को मोबाइल को हम USB केबल से जोड़ते हैं। आपको ध्यान रखिए आप क्वालिटी आपका अच्छा रहना USB केबल का, केवल आदमी क्या क्या करेंगे। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो देख सकते हो हमारा फोन डिटेक्ट हो गया है यहाँ पे। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रेड लाइन लाइन जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको।
देख सकते हो आप यहाँ पे यूएसबी ड्राइवर भी है बोल के बता दे रहा है। तो यहाँ देख सकते हो आप ये विल स्टार्ट चार्जिंग बोल के आ गया, FRP इससे डन हो गया, यहाँ पे ऑल डन हो गया है। चलो हम इसको यूएसबी का आप निकाल देते हैं, ये 2 मिनट का काम है सिर्फ आप बस। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ ग्रीन लाइन आ गया 100%, आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ थोड़ा। तो आप देख सकते हैं 100% लिख के आ गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया, ये यहाँ पे ऑल डन लिख के आ गया, मतलब आपका FRP रिसेट हो गया, यहाँ पे फोन चार्जिंग लेने लग गया, देख सकते हो वहाँ पे लिख के आ रहा है, उससे चार्जिंग भी लेना लग गया। तो इसको हम निकाल देते हैं अभी, निकाल देने के बाद अब फोन को बैटरी एक बार निकाल देता हूँ, बैटरी निकाल के फिर लगा देते हैं, फोन ऑन होता है कभी कभी। एक बार बैटरी निकाल के इसको ऑन करके देखते हैं हम अभी। अभी थोड़ा समय लेता है ऑन होने में, ये आपको कुछ भी सुझाव रहे तो कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके भी लिख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन आपको क्लिक कर सकते हो। और हाँ, आपको लो कॉस्ट में अगर कोई भी फ़ोन चाहिए तो आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। और आप हमारा सेकंड चैनल भी अगर सब्सक्राइब नहीं, सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर आपका आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा मैं उसका, उसमें आपको फनी कॉमेडी वीडियो देख सकते हो आप। फ़ोन ऑन हो गया है, इसको स्किप कर देते हैं, स्किप आ गया, इसके ऑप्शन नहीं आ रहा था, स्किप एनीवे कर देते हैं हम इसको भी, नेक्स्ट दबा देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अभी हमें कोई लॉक लगाना नहीं है इसलिए इसको ऑफ कर देते हैं हम, पासवर्ड लॉक लगाना नहीं है हमें कोई, इसको स्किप कर देते हैं हम, स्किप एनीवे कर देते हैं, नेक्स्ट दबा देते हैं। तो देख सकते हो हमारा फ़ोन ओपन हो गया है। इसके लिए कोई भी आपको ऐप डाउनलोड करना है इस सब का टेंशन नहीं, आप बार इधर उधर बहुत समय लेता है, ये सिर्फ 2 मिनट 2 सेकंड का काम है, आप इसका लॉक खुल जाता है, देखो हो सकते हैं यहाँ पर टच काम नहीं कर रहा लगता है, तो इसका लॉक खुल गया है, ये देख सकते हो आप ऑलरेडी टच ब्रोकन है ना इसलिए, तो हमारा वर्क हो गया इसमें, देख सकते हो आप FRP इसका रिमूव हो गया इसे, इसमें आपको कोई डिफॉल्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा कुछ नहीं इससे, आपको कोई इसमें सिम लगाओ, ऐप डाउनलोड करो इसका, नहीं तो OTG ये सब आपको कोई ज़रूरत नहीं है सबके लिए, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आप हमारा नेक्स्ट वीडियोस भी देखिए, आपको यहाँ पे आपको बॉक्स में मिल जाएंगे। बाय। आई लव यू। अगर मैं भी तुम्हें आई लव यू बोल दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैं खुशी के मारी मर ही जाऊंगा। जा नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी।